उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशन को, तो आज हम डिस्कस करते हैं उस डेफिनेशन के रिलेटेड एक्सरसाइज है जो 1.4, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो ऐसे ही है जैसे कि आपने डेफिनेशन किया है कि दो मैट्रिक्स है, उसको चेक करना है कि वो कन्फर्मेबल है कि नहीं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो वो अगर आपको डेफिनेशन की समझ है तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको इसके रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस उधर से देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इफ ए इज इक्वल टू समथिंग बी इज इक्वल टू समथिंग फाइंड, क्या उसमें कहा हुआ है कि ए भी फाइंड करें और बी ए फाइंड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज उसने पूछी हुई है हमसे। ठीक है, ए बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमसे उसने पूछा हुआ है। तो इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या तरीका कहा था कि अगर हमारे पास इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए, कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है ना मैट्रिक्स ए के वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी के। ठीक है, जो हम इधर लिखेंगे, जैसे हमने ए बी लिखा, तो इधर हम चेक करेंगे कि ए के कॉलम बी की रोज के इक्वल हो। ठीक है, अगर हम इसको लिखें बी ए जैसे ये लिखा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बी के कॉलम को ए की रो से इक्वल करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास ए है। अब हम इधर ए की बात करेंगे, ए में कितने कॉलम हैं, दो कॉलम्स हैं, और बी में कितनी रोज हैं, दो। तो ये कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसमें कॉलम्स ए में कॉलम्स दो हैं और बी में दो रोज हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या करेंगे, हम ए बी इज इक्वल टू, मैंने ये दोनों वैल्यूज लिख ली हैं पहले ए की, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बी की। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इसको हम इधर से और इसको इधर से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी इस एंट्री को इस एंट्री से और इस एंट्री को इस एंट्री से दरमियान में प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो आप चेक करें कि इसमें क्या है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 क्रॉस 6 प्लस 0 क्रॉस 5। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलर इस तरह ही नीचे भी इस रो को भी इस कॉलम से करेंगे तो वो क्या आएगा, -1 को 6 से किया तो ये आ गया, 2 को 5 से किया तो ये आ गया, जब इन दोनों को सोल्व किया तो ये आया, सो इसको अगेन करके ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट था डी ए इज इक्वल टू समथिंग, मतलब कहता है कि फाइंड करें इफ, अगर कहता है कि ये पॉसिबल है तो इसको सॉल्व करें। तो हम चेक करते हैं, पहले हम इसको मैंने लिख लिया है बी ए की फॉर्म में, हम इसको पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है, कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए कि नहीं है। पहले हम चेक करें, पहले बी आ रहा है ना, तो बी में हम चेक करेंगे कॉलम्स, बी में कितने कॉलम है, एक कॉलम्स है, और हम ए में चेक करेंगे रोज, तो ए में कितनी रोज है, दो, एक कॉलम है और दो रोज है, ये तो इक्वल ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर हम क्या कहेंगे, इज द नंबर ऑफ कॉलम्स बी नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ए, देन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ वो कंडीशन फॉलो करेंगे जो हमारे पास है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल ही नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब, उसमें हमारे पास क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें उसने क्या दिया हुआ है, इफ एक ए मैट्रिक्स दिया है एक बी मैट्रिक्स दिया है और एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमें उसने 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के, तकरीबन 4 या 5 इसके पार्ट हैं आगे। ठीक है, तो आप अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स की समझ है ना, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई हम उसका एक पार्ट ले लेते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। ठीक है, हम उसमें पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मैंने ये पार्ट क्यों लिया है, इसके और भी पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इजी था वो। ये पार्ट इसलिए लिया क्योंकि इसमें सी बी और ए तीनों आ रहे हैं, तीनों को हम सॉल्व करेंगे, तीनों मैट्रिक्स, तो इसलिए मैंने ये लिया। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है जी लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट वाली यूज करेंगे, ब्रैकेट वाली हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम बी और सी को ऐड करेंगे, बी की क्या वैल्यू है 1, 2, -3, -5 प्लस सी की क्या वैल्यू है 2, 1, 1 और 3। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी प्लस सी 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, -1 प्लस -3 प्लस 1 -2, -5 प्लस 3 -2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पूरी एक्सप्रेशन लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, ए इंटू बी प्लस सी। अब हम ए की वैल्यू भी साथ इंक्लूड करेंगे, -1, 3, 2 और 0। उसके बाद आप प्लस की लंप नहीं है, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, अब हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, इस रोज को हम इस कॉलम से पहले करेंगे। ठीक है, इस एंट्री को इस एंट्री से, इस एंट्री को इस एंट्री से, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, तो -1 को हम 3 से करते हैं, -1 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस -2। ठीक है, अब हम इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, -1 को 3 से किया, -1 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस -2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट दूसरे मतलब रोज की तरफ आते हैं, इस रोज को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से 2 क्रॉस 3 प्लस का साइन आएगा, 0 को 3 से किया जब, तो बेशक अब चलो लिख लें एक दफा। ठीक है, अब 2 को किया, सॉरी 0 क्रॉस -2 आना था क्योंकि हम कॉलम से कर रहे हैं, अब इस रो को इस कॉलम से करना है, 2 क्रॉस 3 प्लस का साइन आएगा, 0 क्रॉस -2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, अब हम इसको क्या करते हैं जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, और इसके बाद -1 को 3 से किया, तो -3 आ गया, ये भी इसको किया तो ये भी -6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इधर चलते हैं, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया प्लस ये 0 आ जाएगा, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया प्लस ये 0 आ गया, तो ये हमारा आ गया जी -9, -9, 6 और 6। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब हम कर चलते हैं ये राइट हैंड साइड की जगह, वो क्या थी हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम ए बी को सॉल्व करते हैं, पहले हम ए बी को सॉल्व करते हैं, ए की क्या वैल्यू है -1, 3, 2 और 0। उसके बाद क्रॉस बी की क्या वैल्यू है 1, 2, -3, -5। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन को वन से किया तो माइनस वन आ गया, माइनस वन को वन से किया तो माइनस वन आ गया, और थ्री को माइनस थ्री से किया तो माइनस नाइन आ गया, ठीक है। माइनस वन को टू से किया तो माइनस टू आ गया, इसको मतलब ऐसे करना ना, इस कॉलम से या इस कॉलम से, एक रोज को दोनों कॉलम से, फिर दूसरी रोज को दोनों कॉलम से। माइनस वन को टू से किया तो माइनस टू आ गया, थ्री को माइनस फाइव से किया तो माइनस पाँच तीन पंद्रह। अब इस रो को हम करेंगे, टू को वन से किया तो टू आ गया, जब जीरो को करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। अब टू को हम टू से करेंगे तो फोर आ गया, और जीरो को माइनस फाइव से करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस टेन, और ये माइनस सेवनटीन, सेवनटीन आ गया, ये टू आ गया, और ये फोर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए सी, अब हम ए सी की बात करेंगे तो हमारे पास ए किसके इक्वल है, माइनस वन थ्री टू और जीरो के क्रॉस है दरमियान में, और सी की क्या वैल्यू है, टू वन वन थ्री, ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन को टू से किया तो माइनस टू आ गया, ठीक है, थ्री को वन से किया तो प्लस थ्री आ गया। इस रोज को हम इस कॉलम से करना है, फिर इस कॉलम से, ठीक है। अब हम इसको इस कॉलम से करेंगे, माइनस वन को किया है वन से तो माइनस वन आ गया, थ्री को किया थ्री से तो प्लस नाइन आ गया, ठीक है। अब हमने टू को इस रोज का हमने इस कॉलम से करना है, टू को टू से किया तो फोर आ गया, प्लस जीरो आ गया, टू को वन से किया तो टू आ गया, प्लस जीरो आ गया। ये क्या हमारे पास आ गया कंप्लीट आंसर, माइनस टू प्लस थ्री वन आ गया, माइनस वन प्लस नाइन, माइनस वन प्लस नाइन, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एट आ गया, और ये फोर आ गया, और ये टू आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब हमें इसको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ए बी और ए सी को, तो ए बी का आंसर ये है हमारे पास, माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू और फोर, ठीक है। तो उसके बाद प्लस, क्योंकि हमने अभी इन दोनों को प्लस करना है, और ए सी का आंसर हमारे पास क्या है, वन एट फोर और टू। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, चेक करते हैं क्या आता है, माइनस टेन प्लस वन माइनस नाइन, माइनस सेवनटीन प्लस एट कितना आएगा, ये भी माइनस नाइन ही आएगा, फोर प्लस टू सिक्स और फोर प्लस टू सिक्स, ठीक है। तो ये नंबर टू आ गई, ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी। तो अब चेक कर सकते हैं कि ये नंबर वन और ये नंबर टू दोनों सेम हैं, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमने लिया था ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमारे पास इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव, और इसका एक पार्ट था पार्ट नंबर थ्री, उसको हमने सॉल्व किया। तो आप इस वे से, इस तरीका कार से इसके जो दो तीन पार्ट और है ना, आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है जी, हमें उसने क्या है, इफ एक ए मैट्रिक्स दिया है, वो क्या है हमारे पास, माइनस वन थ्री टू और जीरो। एक बी मैट्रिक्स दिया है, वो क्या है हमारे पास, वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव। और एक सी मैट्रिक्स दिया गया है, वो क्या है हमारे पास, माइनस टू सिक्स थ्री और माइनस नाइन।
ये हमें तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसका दूसरा पार्ट क्या है, बी सी का कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज टू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं इसके, तो हम इसका कोई एक पार्ट सोल्व करते हैं। तो हम ये वाला सोल्व करते हैं। हमारे इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज कंप्लीट। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो क्या है, वो पहले ए की वैल्यू लगाएंगे -1, 3, 2 और 0, क्रॉस बी की वैल्यू लगाएंगे 1, 2, -3 और -5। अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ गया -1, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। 3 को 3 से किया तो -9, अब -1 को 2 से करेंगे तो -2, और इसको इससे करेंगे तो -15। अब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। अब 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, -10 -17 2 और 4 के। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं जी। वो क्या, हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं और बी का भी। ठीक है, ये हमारे पास ए है, हमें क्या करना है, सॉरी पहले हम इसको चेक करते हैं। इसके हमने ट्रांसपोज तो नहीं लिया, जब इसको मल्टीप्लाई किया है ना, पहले हम इसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। ए बी का कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में करेंगे। इस कॉलम को इस रो में कर दें तो -10 और 2 आ जाएगा, -17 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ये नंबर एक का नाम दे दें। उसके बाद हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड की जानब। उसमें क्या है, हमारे पास है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या करेंगे, कॉलम को रोज में करेंगे और रोज को कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, अब बी का ट्रांसपोज लेंगे इस वे से ही, तो वो क्या आ जाएगा 1, 2, -3 और -5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी को, हम पहले रखेंगे, उसके बाद क्या है 1, -3, 2, -5, मल्टीप्लाई का साइन आएगा -1, 2, 3 और 0। ठीक है, 1 को -1 से किया तो -1, -3 को इससे किया तो -9, 1 को इससे किया तो 2 प्लस 0, अब 2 को इससे किया तो -2, अब 5 को 3 से किया तो -15, अब 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 0। ठीक है, कंप्लीट आंसर क्या बना हमारे पास, -10 -17 2 और 4। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमने मतलब ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लें कंप्लीट का, तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो ये था जी ए क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट। तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये आपने खुद करना है इस वे से ही, ये भी आसान ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।